नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। हूँ माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। पिछले क्लास में हमने योनि व्यापक के बारे में डिस्कस किया था, आज हम योनि अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। योनि अर्थ का वर्णन लगभग सभी संहिताओं में किया गया है, स्पेशली चरक, सुश्रुत, वाग्भट और हारित ने इसका वर्णन किया है। चरक ने चिकित्सा स्थान 14वें अध्याय में सामान्य अर्थ की चिकित्सा में इसका वर्णन कहा किया है और इसको अधिमांसज नाम दिया है। चरक ने सभी अर्थ का अधिष्ठान जो है वो मांस बताया है, क्योंकि अपत्य पथ में भी मांस होता है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अपत्य पथ में भी अर्थ होते हैं। सुश्रुत ने निदान दो में इसका वर्णन किया है और योन्यास नाम दिया है। वाग्भट ने निदान दो में इसका वर्णन करते हुए इसका नाम मांसकीलक कहा है और हारित ने हारित संहिता तृतीय स्थान 11वें अध्याय में इसका वर्णन करते हुए योनि मध्य नाम दिया है। योनि का मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट और अर्स यानी पाइल्स लाइक मास या मांसांकुर या करीर के समान ग्रंथि या ग्रोथ। तो अब हम जो सुश्रुत ने बताया है योनि अर्स के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है, प्रकुपितास्तु दोषः योनिम अभिप्रपन्नः सुकुमारान दुर्गंधान पिच्छिलान रुधिर स्त्रावेण्यश छत्राकारान करिरान जन्यति ते तु योनिम उपघनंत्यम आर्तवम च। यानी निदान सेवन से, निदान जो सामान्य अर्थ के निदान है, वही निदानों के सेवन करने से दोष प्रकुपित होकर योनिम अभिप्रपन्ना योनि में पहुंचकर सुकुमार यानी सॉफ्ट, दुर्गंधान यानी फाउल स्मेल युक्त, पिच्छिल यानी थोड़ा सा स्टिकी ग्रोथ, रुधिर स्त्रावणी यानी ब्लड डिस्चार्ज युक्त, छत्राकारान अम्ब्रेला के आकार की ग्रंथि, करीर यानी ग्रंथि या मांसांकुर को उत्पन्न करते हैं और ये ते तू योनिम उपगनंतम आर्तवम च, योनि और आर्तव का नाश करते हैं। अष्टांग हृदय और संग्रह ने इसी प्रकार का वर्णन करते हुए योनि अर्थ की जगह मांसकीलक वर्ड दिया और उपद्रव में भग और आर्तव का नाश बताया, योनि और आर्तव के नाश के नाश की जगह। इसका अधिष्ठान आचार्य वाग्भट ने रक्त और मांस बताया है। योनि अर्थ की जो आकार है वो छत्राकार है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा भी जाता है। इसके लक्षण कैसे होंगे, सॉफ्ट होगा, दुर्गंधित होगा, फाउल स्मेलिंग होगा, थोड़ा सा स्टिकी लिए हुए और ब्लड डिस्चार्ज युक्त, उपद्रव भग और आर्तों का नाश करता है। अब हम चिकित्सा की बात करते हैं। तो इसका योनि अर्थ का जो ट्रीटमेंट है वो सामान्य अर्थ के समान ही करना चाहिए, ऐसा आचार्य ने कहा है। तो जो अर्थ की सामान्य अर्थ की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने अध्याय 6 में बताया है, चिकित्सा स्थान के चतुर्विधो अर्थ साम साधनो उपायः, यानी अर्थ के चार उपाय हैं अर्थ को ठीक करने के। तद यथा भेषजम क्षारो अग्नि शस्त्रमिति, भेषज सार अग्नि और शस्त्र। भेषज, अब भेषज किसमें प्रयोग करनी है, अचीर काल जात जो अभी नया नया उत्पन्न हुआ है, अल्प दोष युक्त हो, अल्प लिंग और अल्प उपद्रव युक्त हो, ऐसे में औषध से ठीक करना है। जो अर्थ मृदु हो, प्रसृत हो, अवगाढ़ हो और उच्छ्रित हो, उठा हुआ हो, उसमें क्षार का प्रयोग करना है। जो अर्थ कर्कस हो, स्थिर हो, प्रथु हो और कठिन हो, उसमें अग्नि का प्रयोग करना है। और जो अर्थ का जो मूल है वो तनु हो, उठा हुआ, उच्छ्रितानी हो और क्लेद युक्त हो, उसमें शस्त्र का प्रयोग करना है। तो इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर
ये जो वर्णन किया है इसके आधार पर योनि अर्श जो होते हैं वो तनु मूल वाले हैं, क्लेद युक्त होते हैं, तो ये शस्त्र साध्य व्याधि हुई। अष्टांग संग्रह ने इसकी चिकित्सा का वर्णन करते हुए कहा है कि सबसे पहले देह का शोधन करना है, देह का शोधन करने के बाद शस्त्र सार अग्नि द्वारा अर्श की चिकित्सा करनी है, फिर उसके बाद उपदंश में जो वर्णित चिकित्सा है रस क्रिया और तुत्थादि लेप उसका प्रयोग करना है। अष्टांग हृदय ने भी इसी तरह कहा है कि अर्शसाम छिन्नम दग्धानाम क्रिया कार्यम उपदंशवत, यानी अर्श में छिन्न यानी छेदन और दग्धानाम यानी दहन चिकित्सा करनी है और उपदंशवत चिकित्सा बाद में करनी है। अब छेदन और शस्त्र चिकित्सा के बाद या क्षार और अग्नि चिकित्सा के बाद जो व्रण बनता है अर्श के स्थान पर, तो उसमें क्या चिकित्सा करनी है, उसके लिए आचार्य वाग्भट ने कहा है कपाल में अदग्ध या दग्ध त्रिफला त्रिफला में घृत मिलाकर उसका लेप करना है। ऐसे ही तुत्थादि लेप बताया है जो तुत्थ गैरिक लोद्र एला मनसीला हरताल रसांजन हरेणु पुष्पकाशी सौराष्ट्र और लवण, इनके चूर्ण में मधु मिश्रित करके बनाया गया है। इसी तरह दार्वित्वक शंख ताक्षर्योत्लाक्षा गोक्षीर गोमय रस उनको शोद्र मधु और तेल और सर्पी में मिलाकर लगाना है। ऐसे ही लाक्षा द्राक्षा अत्तसी और मधु का लेप और सले और ताक्षर्यस का लेप भी बताया है। ये सभी जो लेप बताए हैं उनमें सारी औषधियां जो है वो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी वाली है, इसलिए व्रण चिकित्सा में बताई है। अब हम योन्यार्स को मॉडर्न में पॉलिप ऑफ यूटरस एंड सर्विक्स से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिप होते हैं वो भी उनका भी लक्षण होता है कि वह जो डिस्चार्ज है वो ब्लड मिक्स्ड होता है, और अपन ने योन्यार्स में भी पढ़ा था कि डिस्चार्ज योन्यार्स में ब्लड मिक्स्ड होता है, रुधिर स्त्रावी होता है। उसी तरह यदि पॉलिप में इंफेक्शन हो जाए तो वो दुर्गंधित या फाउल स्मेलिंग होते हैं, ऐसे ही जो योनि अर्श होते हैं वो भी दुर्गंधित होते हैं और ये सॉफ्ट भी होते हैं। तो और इस पॉलिप की चिकित्सा जो है वो शस्त्र साध्य होती है, यानी उसका छेदन करना होता है, और योनि अर्श का भी छेदन आचार्यों ने बताया है, तो इसको हम पॉलिप ऑफ यूटरस एंड सर्विक्स से कोरिलेट कर सकते हैं। ये डायग्राम पॉलिप को शो कर रहा है, ये है पॉलिप जो कि ब्लीडिंग के साथ है। सर्वाइकल और वेजाइनल पेपिलोमा से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और वार्ट्स या कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनेटा से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये पिक्चर कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनेटा की है जो कि एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के कारण होती है ये डिजीज, और इसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके ट्रीटमेंट में वैक्सीन यूज करते हैं। सो थैंक यू। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विथ माय डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स सो आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।